आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्लासिक 350, हंटर 350 और मीडियम 350 को। तीनों यहां पर जो है 350 सीसी कैटेगरी की बाइक्स आती हैं। क्या क्या डिफरेंस आता है, क्या प्राइसिंग है, कौन सी वाली बाइक आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संगीत है, नाम देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बाइक्स के प्राइस कितने रुपए से स्टार्ट होते हैं और कितने रुपए तक जाते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ हंटर 350 के बारे में। सबसे पहले इसका प्राइस स्टार्ट होता है बेस मॉडल 1,85,000 रुपीज़ से और जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पर 2,10,500 रुपीज़ के आसपास। फिर हम बात करें क्लासिक 350 के बारे में, तो क्लासिक 350 का प्राइस स्टार्ट होता है 2,33,000 रुपीज़ से और जाता है टॉप ऑफ द लाइन मॉडल ये जो आपको देखने को मिलता है 2,69,000 रुपीज़ का। जो मीटियोर 350 है इसके अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। तीन तरह के मॉडल आते हैं, फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा। ये बेस मॉडल है फायरबॉल। जो ये बाइक है स्टार्ट होती है लगभग 2,40,000 से और जाती है लगभग 2,76,000 रुपीज़ के आसपास। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको बताता हूँ तीनों बाइक्स के अंदर डिफरेंस। ये एक प्रॉपर क्रूजर बाइक देखने को मिलती है मीटियोर 350 के बारे में बात करें। क्लासिक 350 इज अ डेली ड्राइवर बाइक, आपको जो है नॉर्मल यहाँ पर सेटिंग पोजीशन, नॉर्मल जो है कंफर्ट देखने को मिलता है। हंटर 350 आप कह सकते हैं एक पॉकेट रॉकेट है, कम वेट, ज्यादा पावर, शानदार परफॉर्मेंस आपको जो है यहाँ पर हंटर 350 के अंदर देखने को मिलती है। बाकी इन तीनों में से सबसे इकोनॉमिकल बाइक हंटर 350 है और यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव जो यहाँ पर प्रीमियम जो मॉडल आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आता है सुपरनोवा। वो ये खड़ा है सुपरनोवा बिकॉज के अंदर एलईडी हेडलाइट क्लस्टर आता है, आपको विंडस्क्रीन देखने को मिलती है, बैकरेस्ट देखने को मिलता है। ये सब एक्सेसरी जो है कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलती है, लेग गार्ड आपको अलग से लगवाना पड़ता है। मीटियोर 350 उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको लंबे टूर्स में बाइक चलाना पसंद है, जिनको यहाँ पर पिलियन के साथ राइड करना पसंद है, जिनको कंफर्टेबल बाइक चाहिए, जिनको सीट हाइट कम चाहिए, जिनको यहाँ पर आरामदायक पोजीशन चाहिए यहाँ पर बाइक चलाते समय, तो ये आपको यहाँ पर मीटियोर 350 लेनी चाहिए। वहीं अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपको डेली चलाने के लिए एक ज़्यादा अच्छी लुक, गुड लुकिंग वाली बाइक चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो यहाँ पर आपको क्लासिक 350 लेनी चाहिए। आप चाहे बेस मॉडल लो, चाहे आप टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लो, आपको इंजन सेम देखने को मिलता है, जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो सेम देखने को मिलता है, व्हील्स का जो डायमीटर है यहाँ पर वो सेम देखने को मिलता है, सीट्स वगैरह, फ्रेम, यहाँ पर अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप, एग्जॉस्ट सेटअप, ये सब आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। वहीं हंटर 350 मेरे हिसाब से छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर आपको कम पैसे के अंदर बहुत शानदार मज़ा चाहिए, बाइक के अंदर पावरफुल बाइक चाहिए, रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहिए, एक आपको पेपी मशीन चाहिए, मज़ेदार चीज़, हंटर 350 ले सकते हैं। बिकॉज इसके अंदर इंजन तो क्लासिक 350 वाला ही आता है, बट इसका वेट क्लासिक 350 से बहुत कम है, उसका एग्जॉस्ट लुक बहुत अच्छा है, एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यार आपको देखने को मिलता है हंटर 350 में। ये मिड मॉडल है, डैपर मॉडल, इसका प्राइस आता है 2,06,000 रुपीज़। और फिर ये बात कर रही है हंटर 350 का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल डैपर रेबल ब्लू, इसका प्राइस जो है आपको देखने को मिलता है 2,10,500 रुपये। एंड यहाँ पर जो है मुझे पर्सनली ये वाला मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हंटर 50 के अंदर, बिकॉज इसके अंदर आपको डुअल चैनल ईबीएस डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिलता है, साथ में अलॉय व्हील्स आते हैं 17 इंचेस के, ओवरऑल ट्यूबलेस टायर्स भी देखने को मिलते हैं। वहीं क्लासिक 50 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ट्यूब टायर, सिर्फ इसका डार्क सीरीज जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस टायर। वहीं जो मीटियोर 350 है इसके अंदर जो अरोरा सीरीज है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं ट्यूब टायर, बाकी सारे मॉडल्स के अंदर ट्यूबलेस टायर आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताई तीनों बाइक्स के अंदर प्राइस में मैंने आपको डिफरेंस बताया। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हंटर 350, बट हंटर 350 क्या है, बहुत ज़्यादा बिग आपको लुक नहीं देगी, ऐसा बड़ा वाला लुक नहीं देगी बाइक दिखने में, बट हाँ मज़ेदार चीज़ है। अगर आपने हंटर 350 नहीं चलाई तो आई सजेस्ट कि आप एक बार राइड करो इसको, आपको मज़ा आ जाएगा लिटरली। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लासिक 350 के बारे में, सो दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट बाइक्स, बिकॉज इसका स्टांस बहुत अच्छा आता है, लुक बहुत अच्छा आता है, आप देख सकते हैं कितनी यूज बाइक है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, स्प्लिट सीट के साथ बाइक आती है यहाँ पर राइडर के लिए और पिलियन के लिए, दोनों के लिए आपको अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं अपने लिए एक लॉन्ग टूरिंग के लिए बाइक लूँ, मैं अगर थोड़ा 50-100 किलोमीटर डेली चलाने के लिए एक बाइक अगर लेना चाहता हूँ, मेरा ऑफिस थोड़ा दूर है या फिर मैं वीकेंड राइड्स बहुत ज़्यादा करता हूँ लाइक 150-200 किलोमीटर्स की, यहाँ पर जो है मीटियोर 350 मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, बिकॉज के हैंडल बार्स पोजीशन ऊपर है, आप फुट पैग्स बहुत कंफर्टेबल आगे की तरफ देखने को मिलते हैं, सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट राइडर्स के लिए सबसे अच्छी बाइक है। एंड अगर आपको एक लाइट वेट बाइक चाहिए तो आप यहाँ पर हंटर 350 के साथ जा सकते हैं बिल्कुल। आपको तीनों में से कौन सी वाली बाइक ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे वेरियंट्स देखने को मिलते हैं हर एक बाइक के अंदर, सो ज़रूर शोरूम के अंदर आइए, ज़रूर जो है आप यहाँ पर सारे कलर्स, सारे वेरियंट्स चेकआउट करिए, एंड जो भी आपको बाइक पसंद आए वो आप लेके जा सकते हैं। दिस इज द सुपर मीटियोर 650, एक बिल्कुल शानदार क्रूजर बाइक है ये ऑल टुगेदर। बाकी क्लासिक 350 का मैं आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ, सो दिस इज द डार्क गनमेटल ग्रे, ट्यूबलेस टायर के साथ बाइक आती है, ये इकलौता वेरिएंट इसके अंदर ट्यूबलेस टायर आते हैं।
सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।